अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनशीन बतशरीफ फरमा हजरत मौलाना वलीउल्लाह साहब, मुफ्ती रियाज साहब, मौलाना हैदर निसार आगा साहब, हाफिज लईद साहब, मौलाना अली पाशा साहब, जनाब जियाउद्दीन नैयर साहब, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, तेलंगाना राष्ट्र समिति के अराकीन असेंबली मोहतरम जनाब सुरेंद्र साहब, मोहतरम जनाब शकील आमिर साहब, जनाब गंगा रेड्डी साहब, विठल राव साहब, शहनशीन बतशरीफ फरमा दीगर सियासी पार्टी के अराकीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान, मौजूद हाजरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी तकरीर का आगाज करने से पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि हम और आप आज इस जलसे में इसलिए जमा हुए हैं कि हम अपने मुल्क भारत को बचाने के लिए, हमारे इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और आईन को बचाने के लिए हम यहां पर इसलिए जमा हुए हैं कि हम ये चाहते हैं कि जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानियां पेश की, आज यकीनन हमारे वतन अजीज में भाई दूसरों को खामोश बैठने वाले खामोश बैठ गए। आज हमारे मुल्क में ना कोई गांधी है, ना कोई अंबेडकर है, ना मौलाना अबुल कलाम आजाद की तरह शख्सियतें हैं, मगर हमारा यहां पर जमा होना ना सिर्फ हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं बल्कि हमको उन ताकतों को बताना पड़ेगा कि हमने भारत को, इस मुल्क को अंग्रेजों से इसलिए आजाद करवाया था कि यह मुल्क हमेशा सेकुलर रहेगा, हिंदुस्तान का कोई मजहब नहीं रहेगा, भारत दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो तमाम मजाहिब को मानता है और जो मजहब को नहीं मानते उनको भी मानता है। ये ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि हिंदुस्तान में, भारत में तमाम मजाहिब को, उनके मानने वालों को अपने अपने मजहब पर चलने का पूरा अख्तियार दिया जाएगा, मगर आज की ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत हमारे मुजाहिदीन आजादी के कुर्बानियों को रायगा और नाकारा करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर हमारा जमा होना यह सिर्फ मजमा मुसलमानों का मजमा नहीं है, यह मजमा सिर्फ हिंदुओं का या दलित या हमारे बीसी भाइयों का मजमा नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह निजामाबाद की सरजमीन पर आज का यह एहतजाजी जलसा उन हिंदुस्तान और भारत के लोगों का है जो भारत को, इस मुल्क को गांधी और अंबेडकर का मुल्क देखना चाहते हैं, वो इस मुल्क को गोलवालकर और आरएसएस की आइडियोलॉजी में रंगते हुए देखना नहीं चाहते। इसलिए मैं मुंतजमीन जलसा को मुबारकबाद देता हूं, उन तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम हजरात का जो आज के जलसे में शिरकत करके ना सिर्फ आपने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया, बल्कि निजामाबाद की इस मुबारक सरजमीन से हम यहां से जो आवाज लगा रहे हैं,
मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के और भारत के कोने कोने तक आपकी और हमारी आवाज पहुंचेगी। और यकीनन जो हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे वतन अजीज में जो लोग अभी भी खामोश बैठकर तमाशा देख रहे हैं, यकीनन मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे वतन अजीज में जो एहतजाज किया जा रहा है, उस एहतजाज की बुनियाद पर जिनकी आंखें अभी बंद हैं, जिनके दिल खामोश हैं, जिनका जमीर अभी बेदार नहीं हुआ है, मैं उनसे कह रहा हूं कि याद रखो, हिंदुस्तान की तारीख में जंग आजादी के बाद आज एक ऐसा मोड़ आया है कि तारीख तुमको याद रखेगी जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज किया। और यकीनन जो लोग आज यहां पर जमा हुए हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इसलिए कि आपका और हमारा जमीर जिंदा है। हम मुख्तलिफ सियासी पार्टी से वाबस्ता है, चाहे कोई मजलिस का हो, चाहे कोई टीआरएस का हो, चाहे कोई कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे कोई और पार्टी का हो, मगर हमारा यहां पर जमा होना इसलिए है कि हम अपनी सियासी वाबस्तगियों से उठकर वतन अजीज भारत को बचाने के लिए जमा हुए हैं। मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूं। और जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि जिंदगी और जिंदाओं का मिसाल बनो, मुर्दों की तरह खामोश मत बनो। अल्लाह ने तुमको दिमाग दी, आंखें दी, उसको इस्तेमाल करो और देखो इस मुल्क को बदलने की कोशिशें की जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने हमारे भारत के आईन का जो प्रियम्बल है मैं पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप तमाम मेरे साथ एक आवाज में उस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, ताकि हम जब ये पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के वजीर आजम अमित शाह को मालूम होगा कि संविधान की हिफाजत हम कर रहे हैं और संविधान को नुकसान आप पहुंचा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं पढ़ता हूं, आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए कि हम भारत की आवाम मताना तो संजीदगी से अजम करते हैं कि भारत को एक मुख्तदर समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरी बनाएंगे और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करेंगे इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आजादी, ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावात, बाएतबार हैसियत और मौके, और इन सब में इख्वत को तरक्की दें जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। ये उर्दू में हम पढ़ लिए, अब ये आरएसएस के लोग बोलेंगे इन उर्दू में पढ़े, क्योंकि आरएसएस के लोगों को समझ में नहीं आता। 90 साल तक चड्डी पहने, अब पैंट पहन रहे हैं, बच्चा बड़ा हो गया। अब मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं वही प्रियम्बल को, भाई भाई आप पढ़िए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual
एंड द यूनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये आज और आप हमने दोबारा भारत की आईन और संविधान की रूह को पढ़ा, इससे अंदाजा सबको करना चाहिए कि किस राह पर हमारे मुल्क को वजीर आजम नरेंद्र मोदी लेकर जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुरुआत में तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस हम जब मुस्लिम डेलीगेशन जाकर मुश्तरका मजलिस अमल का डेलीगेशन वजीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव से मुलाकात किया तो के चंद्रशेखर राव ने हम तमाम को बिठाकर एक ही बात कही कि आप लोग मेरे को बताओ हमारा मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है, हमारा मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है, कहां पर जा रहे हैं हम, और जब इतना दूर चले जाएंगे तो क्या हम वापस भी आ सकेंगे। और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाजे अल्फाज में हमसे कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर के अल्फाज कह रहा हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तेलंगाना में सेकुलरिज्म को कमजोर होने नहीं दूंगा। और मुझे यकीन है कि के चंद्रशेखर राव यकीनन एक रियासत को चला रहे हैं, उनको रियासत को चलाने के लिए मरकजी हुकूमत से एक हिकमत अमली को अख्तियार करते हैं, मगर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सेकुलरिज्म के नाम पर इंशाअल्लाह ताला जब तक के चंद्रशेखर राव जिंदा रहेगा टीआरएस पार्टी सेकुलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी जमात के जिम्मेदार के हैसियत से कह रहा हूं कि जब तक के चंद्रशेखर राव जिंदा रहेगा असदुद्दीन ओवैसी केसीआर के साथ रहेगा। अब उनकी जिंदगी के बाद क्या होता मुझे नहीं मालूम, ना मेरी जिंदगी का भरोसा है ना किसी की जिंदगी का भरोसा है, मगर ये लड़ाई ऐसी है कि तमाम सियासी पार्टी को साथ आना पड़ेगा। इसीलिए जब चीफ मिनिस्टर ने मेरे सामने यहां के निजामाबाद के वजीर जनाब प्रशांत रेड्डी साहब को कहा कि आपको जाना है, और चीफ मिनिस्टर से मैंने कहा कि सीएम साहब टीआरएस तो आ रही है, मैं कांग्रेस को भी बुलाना चाहता हूं, तो बोले बराबर बुलाओ आप कांग्रेस पार्टी को भी इस जलसे में, उनको दावत दो आप, क्योंकि ये मसला टीआरएस कांग्रेस मजलिस किसका नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान के भारत के मुस्तकबिल का है, उसकी रूह को बचाने का है। तो उस बुनियाद पर मैंने उस मीटिंग के बाद कांग्रेस के जिम्मेदारों से मैंने खुद फोन किया और उनसे गुजारिश की कि निजामाबाद के इस तारीखी जलसे में आप शिरकत करिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि हम तमाम को अपनी सियासी वाबस्तगियों से ऊपर उठकर आज मुल्क के मुस्तकबिल को देखकर इस मुल्क को मजबूत करने के लिए, ये मुल्क अगर हम कहते हैं कि अंबेडकर गांधी का मुल्क है इसको बचाना है तो हमको अपनी सियासी वाबस्तगियों से ऊपर उठना पड़ेगा। मैंने उनको दावत दी, मुझे आज या कल उनका फोन आया जिसमें कांग्रेस पार्टी ने माजरत का इजहार किया, उन्होंने कहा कि उनकी कोई सियासी मजबूरी है। मैंने कहा आप जाने, मेरा काम था आप तक इस बात को पहुंचाना, क्योंकि ये बड़ा नाजुक वक्त है हमारे मुल्क के लिए। मैंने कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से कहा कि आप दोबारा सरे रहो, अपने फैसले पर नजरसानी करिए, मगर उन्होंने कहा कि असद साहब हम माजरत चाहते हैं, आप खैर वो जाने, मगर हम यहां पर जब जमा हुए हैं, क्यों जमा हुए, इसलिए जमा हुए मेरे भाई कि हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आप तकरीर करना चाहेंगे, आके आएंगे आप, हम यहां पर क्यों जमा हुए, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जमा हुए, और वो कानून ये कहता है कि सिवाय मुसलमान के
जितने मजाहिब हैं उन तमाम को सिटीजनशिप दी जाएगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए। हम यकीनन इस बात के खिलाफ नहीं है कि अगर कोई किसी के मुल्क से परेशान होकर हिंदुस्तान को आता है, भारत को आता है, अच्छा ये तो आप यकीनन उनको पढ़ा दीजिए, मगर मजहब की बुनियाद पर कानून बनाना ये हमारे आईन के खिलाफ है, ये हमारे अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है, ये हमारे आईन के चैप्टर 3 में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वालिटी, मसावात, और जब मसावात का टकराव मजहब से होता है तो मसावात कामयाब होते हैं, मजहब कामयाब नहीं होता। इसकी मिसाल मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में दी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन चुका और जिस प्रियम्बल को हमने आज अभी पढ़ा, जब उसको लिखा जाने का वक्त आया तो उसमें एक एचबी कामत साहब एक मेंबर थे, उन्होंने इस बात का इसरार किया कि ये जो प्रियम्बल हमने अभी पढ़ा है, उन्होंने कहा कि इसको लिखा जाए कि हम भगवान के नाम से, हम खुदा के नाम से इसको शुरू करते हैं। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने उसकी मुखालिफत की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसकी मुखालिफत की, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं हो सकता, एचवी कामत से कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान के, भारत के आईन का, प्रियम्बल का आगाज खुदा के नाम से नहीं कर सकते। वोटिंग हुई तो प्रियम्बल का वोटिंग में कामत साहब हार गए, और खुदा के नाम से या भगवान के नाम से प्रियम्बल नहीं लिखा गया। तो आज जब वो बुजुर्ग जब इस संविधान को बनाए, आईन को बनाए, और उन्होंने इस प्रियम्बल का आगाज खुदा और भगवान के नाम से नहीं किया, तो नरेंद्र मोदी अपने आप को अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा जहीन समझते और मजहब के नाम पर कानून बनाकर वो न सिर्फ संविधान के खिलाफ कानून बनाए, बल्कि उन्होंने तौहीन की अंबेडकर की, उन्होंने तौहीन की राजेंद्र प्रसाद की, उन्होंने तौहीन की गांधी की, उन्होंने तौहीन की उन बहादुरों की जिन्होंने जलियांवाला बाग में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। इस कानून को बनाकर उन तमाम मुजाहिदीन आजादी को तकलीफ पहुंचाई गई जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद इसलिए करवाया था कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, इस मुल्क का मजहब कोई नहीं हो सकता, मगर बीजेपी इस मुल्क को एक मजहब के रंग में रंगना चाहती है। लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि बताओ नरेंद्र मोदी में और के चंद्रशेखर राव में क्या फर्क है, दोनों भी तो एक मजहब को मानने वाले हैं। मैंने कहा कि के चंद्रशेखर राव में और वजीर आजम नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। पूछने वाले जर्नलिस्ट ने ताजुब करके पूछा बताओ क्या फर्क है, मैंने कहा दोनों मंदिरों को जाते, दोनों भी अपने मजहब पर चलते और अपने अकीदे पर रहते, मगर के चंद्रशेखर राव अपने मजहब को हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं करता, जो नरेंद्र मोदी अपने मजहबी उसूल को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं, इस मुल्क पर मुसल्लत कर रहे हैं, ये फर्क है। हम हिंदुइज्म के ना कभी खिलाफ देना रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम खिलाफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मुखालिफत करते रहेंगे, इसलिए कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है। इंडियन नेशनलिज्म क्या है? इंडियन नेशनलिज्म में सब आते हैं, तमाम मजाहिब के लोग मानने वाले आते हैं, ये फर्क है। आज मुल्क को बचाना है हम लोगों को, भारत की जनता को, भारत के गरीबों को, भारत के नौजवानों को। नौजवानों ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, इस मुल्क को बचाना है और जमहूरी तरीके से हमको इत्तेजाज करके इस मुल्क को बचाना है, जमहूरी तरीके से हमको इस मुल्क को बचाना है। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई नहीं है,
ये लड़ाई भारत को बचाने की है, ये लड़ाई भारत को फासिस्ट ताकतों से बचाने की लड़ाई है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस लड़ाई में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने आकर एक दीवाना आपसे भीख मांग रहा है कि आप तमाम लोग हम तमाम का साथ दो इस लड़ाई में। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपका जमा होना यकीनन हमारे हौसलों को मजबूत करता है, बुलंद करता है। यहाँ पर हजारों की तादाद में इंसानों का जो समंदर जमा है, जो मजहब को नहीं देखकर मुल्क की मोहब्बत में जमा हुए, मैं आपको सलाम करता हूँ। तुम्हारा इस जगह पर जमा होना यकीनन आरएसएस बीजेपी की नींदों को हराम करके रख देगा। वो परेशान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रियासत पुरअमन है और पुरअमन रहेगी। और हम इसके अमन को तोड़ने की कोशिश करने वालों का साथ नहीं दे सकते, चाहे वो किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक हो। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हमारे संविधान के खिलाफ है। और ये क्यों कानून बनाया गया, मैं आज भी वजीर आजम से अपील कर रहा हूं कि आप संविधान के मुताबिक मुल्क को चलाओ। मैं वजीर आजम को आसान तरीका बता रहा हूं कि आपने अपने कानून में कहा कि रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, आप मजहब को निकाल दो, आप रिलीजन को निकाल दो, जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है उनको पनाह दो भारत में। भारत को क्यों नहीं आप रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन कर लेते, कौन रोकता है आपको? मगर मजहब के नाम पर कानून बनाना ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ये इस मुल्क को ऐसे राह पर लेकर जाएगा कि जैसा कि शायर ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया जिसका हमने पार्लियामेंट में उसकी मुखालिफत की, मैंने तकरीर कर की और तकरीर के अख्तिताम से पहले मैंने उस बिल को फाड़ा तो बीजेपी वाले बोले तुम कैसे फाड़े, मेरा काम काले कानून को फाड़ना है और तुम्हार को भी फाड़ना है। समझे नहीं, तेलंगाना की जबान में फाड़ना किसको बोलते मालूम ना आपको? और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि टीआरएस पार्टी ने भी उसकी मुखालिफत की। टीआरएस पार्टी ने कहा कि आप मुसलमानों को उसमें ऐड करो, हम बिल की तारीफ करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसाम में एनआरसी हुआ और आसाम के एनआरसी में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए, जिसमें से 5 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी गैर मुस्लिम हैं। अब आप देखिए कितनी नाइंसाफी की बात है कि जिसका नाम मुसलमान है उसको आसाम में सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? हेमंत बिस्व शर्मा, जो बीजेपी का आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का चेयरमैन है, वो कहता है कि सिटीजन अमेंडमेंट कानून के तहत हम आसाम के वो 5,40,000 जो बंगाली हिंदू भाई हैं उनको सिटीजनशिप दे देंगे और उनके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा, जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में चलेगा, वो बंद हो जाएगा। हम नरेंद्र मोदी से, मेरा एक ही सवाल है, बताओ मोदी जी, क्या ये आप सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं? आसाम के जो गैर मुस्लिम हैं उनको आपकी हुकूमत सिटीजनशिप देगी और वो 5 लाख मुसलमान जिनका भी नाम नहीं आया उनको सिटीजनशिप में क्यों नहीं मिलेगी? वो भी तो इंसान है, वो भी तो इस भारत की सरजमीन पर पैदा हुए। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ जबान से सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं। मेरे भाई, इस बात को समझना जरूरी है, अगर ये हुकूमत की नीयत साफ होती तो पहले एनपीआर करती, एनआरसी करती, उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लाती।
क्यों मोदी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लाया? इसलिए लाया कि अब एनपीआर होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि वजीर दाखला होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के दो रुख है। एनपीआर और एनआरसी का रूल्स एक ही है। सिटीजनशिप 1955 के कानून के तहत ये रूल्स बनाए गए जिसमें एनपीआर और एनआरसी है। अगर खुदा ना खास्ता एनपीआर होगा इस मुल्क में तो एनआरसी तो हो ही जाएगा, एनआरसी तो हो ही जाएगा। जो बीजेपी के लोग टीवी के चैनलों पर जाकर झूठ का प्रोपेगंडा कर रहे हैं, जो टीवी के एंकर शाम 9 बजे और प्राइम टाइम पर नरेंद्र मोदी का बाजा बजा रहे हैं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं इतना झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो। अगर तुम पढ़ना जानते हो तो पढ़ो उन रूल्स को, रूल 4 को पढ़ो, रूल 4 सबसेक्शन 3 को पढ़ो, रूल 4 सबसेक्शन 4 को पढ़ो। क्या कहता है ये एनपीआर क्या होगा, जिसका हमने जाकर केसीआर से कहा कि एनपीआर नहीं होना चाहिए तेलंगाना में। एनपीआर क्या है कि आपके घर पर आएगा कोई आदमी और ये बीजेपी वाले बोलते कि 2010 में भी एनपीआर हुआ, बराबर हुआ, मगर 2010 के एनपीआर में और 2020 के एनपीआर में फर्क ये है कि घर पर आकर आपसे पूछा जाएगा कि आपके मां बाप कहां पैदा हुए थे, आपके मां बाप उनके पैदाइश की डेट ऑफ बर्थ क्या थी। ये क्यों पूछा जा रहा है, पूछो इन लोगों को। इसलिए पूछा जा रहा है मेरे भाई, मेरी इस बात का नोट कर लो आप, सिटीजनशिप का कानून क्या कहता है कि वो भारत का सिटीजन है जो 1987 से पहले पैदा हुआ। कौन सिटीजन है बोलो मेरे साथ जो 1987 से पहले पैदा हुआ, एक। दूसरा, जो जुलाई 87 और दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुआ वो भारत का शहरी है, सिटीजन है, बशर्ते के उसके एक मां या बाप हिंदुस्तान के सिटीजन होना। एक क्या है कि 87 से पहले जो पैदा हुआ सिटीजन हो गया। दूसरा क्या है कि जो जुलाई 87 और दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुआ वो भारत का शहरी है, बशर्ते कि उसका एक मां बाप, मां या बाप, वो भारत के सिटीजन होना जब वो पैदा हुआ या पैदा हुई। तीसरा, जो 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ उनके दोनों मां बाप भारत के सिटीजन होना। इसीलिए ये आपके पास आकर पूछ रहे हैं सवाल में। ये जो एनपीआर 8 सवाल उसमें ऐड किए गए, सवाल ये है आपके पास आकर पूछेंगे, निजामाबाद के गांव में जाकर पूछेंगे, कितने गांव में रहने वालों को मालूम कहां पैदा हुए, क्या है बर्थ सर्टिफिकेट बताओ। अकबर अब्दीन अवैसी ने आरटीआई डाला और आरटीआई डालकर ये आरटीआई का जवाब आया कि सिर्फ चाहे 29% लोग बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करते तेलंगाना में। आप बताइए कोई एलआरडी के गांव में, कोई बोधन के गांव में, कोई निजामाबाद के गांव में, कोई आदिलाबाद के गांव में अगर रहेगा कहां से लाकर बताएगा, पूछो। एक और सवाल उसमें ऐड कर दिया गया, आपका नंबर दो। क्यों नंबर चाहिए आपको मेरा? अब तो मैं जवान नहीं हूं, मेरा नंबर क्यों चाहिए आपको? नंबर दो। तीसरा पूछेंगे
आधार कार्ड दो, आधार कार्ड का है तो बता दो, ऐसे 7-8 नए चीजें उसमें क्यों पूछ रहे हैं आप, ये चीजें बताओ मुझे। तो बीजेपी वाले बोलते कि नहीं सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं, वो फुला स्कीम है। अरे क्यों इतना झूठ बोलते तुम लोग, झूठ की भी कोई हद होती है। तुम्हारी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि गरीबों के पेंशन, बेवाओं का पेंशन, ये तमाम आधार कार्ड की बुनियाद पर दिया जाएगा। जब आधार कार्ड है तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं, इस पर तशवीश हमको है मेरे भाई। ये होगा एनपीआर जब होगा तो आपके घर पे आके खाली नाम वाम लिख लेंगे, ये 8 सवाल। उसके बाद एक लोकल रजिस्टर बनेगी, लोकल रजिस्टर में एक लो लेवल ऑफिसर होगा, वो लिख देगा, क्या लिखेगा कि फहीम डाउटफुल सिटीजन है, वो लिख देगा कि हमारे एलआरडी के एमएलए साहब भी डाउटफुल सिटीजन है, वो लिख देगा उसको इख्तियार है, वो लिख देगा कि शकील आमिर भी डाउटफुल सिटीजन है, वो लिख देगा कि मौलाना लईख भी डाउटफुल सिटीजन है। अब होगा क्या कि जब एक ओहदेदार ये लिख देगा तो वो ऑफिसर बुलाएगा, आइए अब आप प्रूफ बताइए। प्रूफ क्या बताएंगे, क्या प्रूफ बताएंगे हम, बोलो। जिंदगी गुजर गई हमारी इस सरजमीन पर, 70 साल 75 साल के लोग हो गए, अगर उनको डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाएगा क्या प्रूफ लाकर दिखाएंगे। हमने यहां इन पढ़ा भी, हमने यहां पर अभी प्रियाम्बल पढ़ा, प्रियाम्बल में हमने क्या कहा, लोग पूछते हैं ओवैसी तुम बार बार लोगों को भड़काने का काम करते हो, मैं भड़काने का काम नहीं करता हूं। सुनो इस प्रियाम्बल में क्या लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये संविधान में लिखा हुआ है। क्या एक एलआरडी का एमएलए जाकर बोलेगा कि मैं सिटीजन, तुम मेरी शक कैसा करे, तो उनकी डिग्निटी को क्या होगा। अगर फहीम जाएगा तो फहीम की डिग्निटी का क्या होगा। कौन होते नरेंद्र मोदी मुझे सिटीजनशिप पूछने वाले, कौन होते बोलो हमारा सिटीजनशिप पूछने वाले। हम भारत के हैं और भारत में रहेंगे इंशाल्लाह, ये मरेंगे तो इस जमीन में जाएंगे। आप पूछेंगे मुझसे, मुझे तो गुस्सा आएगा अगर कोई मुझसे आकर पूछेगा कि आओ बताओ तुम कैसे भारत के सिटीजन हो, क्या ये मेरी तौहीन नहीं होगी। ये तमाम की तौहीन होगी, उन तमाम की तौहीन होगी। इंसान गरीब हो सकता है मगर उसकी गीरत जिंदा रहती है, वो गरीब होगा मगर उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई छोटे घर में रहता है, कोई महल में रहता है, कोई साइकिल चलाता है, कोई ठेला बंडी पर धूप छांव और बरसात में कारोबार करता है, मगर हर एक को अपनी इज्जत प्यारी होती है। बेइज्जत करने के लिए लाया जा रहा है, ये पूछा जाएगा। अच्छा फिर अगर हमारे एलआरडी के मेरे साहब बोल देंगे ये मेरा प्रूफ है, 150 साल से यहां पर हूं मैं, उनका नाम लोकल रजिस्टर में लगेगा, उसके बाद इनका आप किससे इलेक्शन जीते सर। आप इनका जो पॉलिटिकल हरीफ होगा जब एलआरडी में लगेगी लिस्ट, वो जाके बोलेगा नहीं नहीं इन्हों तो है ही नहीं इंडियन, ये कानून में है, रूल 4 में है, रूल 4 सबसेक्शन 4 में है। आप बताओ मेरे भाई, नाम लगेगा तो ऑब्जेक्शन करेंगे। और ये आसाम में हुआ, आसाम में क्या हुआ कि ऑब्जेक्शन 1,80,000 लोगों का ऑब्जेक्शन डाला गया। किसके खिलाफ ऑब्जेक्शन डाला गया आसाम में, मां बाप का नाम आ गया आसाम के एनआरसी में और उन मां बाप के 9 साल की बच्ची का कोई ऑब्जेक्शन डाल दिया, मां बाप का नाम आ गया, 9 साल की बच्ची का नाम नहीं आया, ऑब्जेक्शन डाल दिया। अब वो फिर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसीलिए एनपीआर और एनआरसी एक सिक्के के 2 रुख हैं।
बीजेपी वाले लाख पुकार पुकार कर बोल लो, हम थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं, कुंचम कुंचम लिटिल लिटिल। मैं लंदन जाके डिग्री हासिल किया, यकीनन हमारे वजीर आजम की तरह डिग्री मेरे पास नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या डिग्री है मालूम आपको? मालूम शकील आमिर क्या डिग्री है? वजीर आजम के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। दुनिया में हिंदुस्तान में एक ही आदमी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, वो नरेंद्र मोदी के पास है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलती है, एंटायर नहीं मिलती, इनके पास है। मेरे भाई ये हाल करना चाहते हैं, आप बताइए एनपीआर एनआरसी ये एक सिक्के के दो रुख है, और अमित शाह साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने चीफ मिनिस्टर के सामने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट को रखा और रखकर बताया कि देखो सीएम साहब, इस रिपोर्ट के चैप्टर 5 में लिखा है कि एनआरसी एनपीआर एक है। मैं आज निजामाबाद के इस मजमे के सामने भी कह रहा हूं, चैप्टर 15 में पॉइंट 4 में लिखा गया कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ एनआरसी। मेरे भाई आप याद रखिए, किसी ने एक अच्छी मिसाल दी, अगर कोई निजामाबाद में जाकर मेवा खरीदता है, मेवे में जाम भी है, जामुन भी है, खरबूजा भी है, तरबूजा भी है, ये सब जमा कर लो, ये एनपीआर है, और उसके बाद निकालेंगे क्या, तरबूजे को निकाल देंगे, खरबूजे को निकाल देंगे और बोलेंगे डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, ये है इस कानून में लिखा हुआ, ये कानून में लिखा हुआ है। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये है लिखा हुआ। अगर जब फाइनल लिस्ट जब बन जाएगी, लोकल लिस्ट बनकर जब आपको डाउटफुल सिटीजन करार दिया जाएगा, तो आपको 30 दिन में अपील, और फिर मेरे ख्याल से 90 डेज का टाइम है वो ऑफिसर को डिसाइड करने का। वो अगर नहीं करता, आप केस हो जाकर फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल में केस लाओ, और हो सकता है डिटेंशन सेंटर में आपको डाल दे। आपको मालूम जब डिटेंशन सेंटर जो आसाम में 8-8 साल 9-9 साल से डिटेंशन सेंटर में है लोग, 8-8 साल से 5-5 साल से डिटेंशन सेंटर में, और 3 साल में 28 लोग की मौत हो गई, 3 साल में 28 लोगों की अमवात हो चुकी है आसाम के डिटेंशन सेंटर में, और 7 फुटबॉल फील्ड के साइज का एक नया डिटेंशन सेंटर आसाम में बन रहा है। क्या कहकर डाल दिया कि तुम फॉरेनर हो? अच्छा, जब फॉरेन डिटेंशन सेंटर बनता है तो उसको अख्तियार है अपने मुल्क को फोन करने का। वो कह रहा मैं किसको फोन मिलाऊं, मैं किसको फोन मिलाऊं, मैं आसाम का पैदा हुआ हूं, मैं भारत का हूं, मैं किसको फोन मिलाऊं। मेरे भाई ये जो सिनारियो आपके सामने रख रहा हूं, ये हकीकत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि एनआरसी के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई, तो ऐलान कर दीजिए वजीर आजम कि मेरी हुकूमत एनआरसी नहीं करेगी, ऐलान करिए ना, क्यों डरते हैं आप? एक जुमले में कह दो आप के एनआरसी नहीं होगा, नहीं कहेंगे, क्या करें? अभी तो कोई नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। एनपीआर एनआरसी, फिर से कह रहा हूं, एक सिक्के के दो रुख हैं। एनपीआर बनेगा, एनआरसी तो बनी जाएगा, एनआरसी तो बनी जाएगा। इसीलिए हम चीफ मिनिस्टर से जाकर गुजारिश किए,
कि हमारा मुतालबा यह है, ये टीआरएस में आपकी जो हुकूमत बनी है आपकी पार्टी की नहीं, ये हमारी भी हुकूमत है, ये रियासत हमारा भी है, इस रियासत पर हमारा भी हक है। और हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप ना सिर्फ इस पर स्टे लगाइए, इस एनपीआर पर जिस तरह केरला की सरकार ने लगाया, बल्कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं इससे बढ़कर कर सकता हूं। बोले हम बोले क्या, मैं तमाम लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज को जमा करूंगा और उनसे कहूंगा कि गलत हो रहा है। हमने कहा बराबर कीजिए आप, और हमको उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर दो या तीन दिन में हमसे वादा किए कि इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर वो एक फैसला लेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि तेलंगाना की ये रियासत एक गंगा जमुनी तहजीब पर बनी हुई रियासत, तेलंगाना की ये रियासत जिसमें यकीनन इसकी जमीन में मोहब्बत है, और मुझे यकीन है कि कोई यहां पर नफरत के बीज नहीं बोने दिया जाएगा। ये तेलंगाना की सरजमीन इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन रियासत बनेगी। उस वक्त बनेगी जब यहां पर भाईचारा रहेगा, उस वक्त मजबूती आएगी जब यहां पर अमन और मुस्तहकम होगा। और उसके लिए जरूरी है कि एनपीआर एनआरसी के खिलाफ हमको आवाज उठाना है। कितनों के पास सेलफोन है, निकालो सेलफोन, लाइट ऑन करो, सेलफोन की लाइट ऑन करो, पूरे लाइट ऑन करो। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आप इस भारत के बाशिंदे हैं? क्या आप भारत को सेकुलर रखेंगे? क्या आप भारत को गांधी और अंबेडकर का मुल्क बनाकर रखेंगे? क्या आप भारत में भाईचारगी को मजबूत करेंगे?